डिटेक्टिव कॉमिक्स का एक नया टीवी शो स्वाम्प थिंग स्टार्ट हो गया है, और अगर आपको इस कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम तो आप बिल्कुल सही जगह पे मौजूद हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस ग्रीन जायंट की जिसे स्वाम्प ने ज़िंदगी दी। सो लेट्स नो योर कॉमिक्स। ये ओरिजिन लिया गया है 1984 में दिखने वाले दी सेगा ऑफ स्वाम्प थिंग इशू 20 से। यहाँ हमें देखने को मिला एलेक हॉलैंड नाम का एक साइंटिस्ट, जो कि लुइजियाना में रहते हुए एक बायो रिस्टोरेशन फार्मूला पर काम कर रहा है जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसके ज़रिए वर्ल्ड हंगर को मिटाया जा सकता है। लेकिन असल दुनिया की तरह कॉमिक्स की दुनिया में भी जहाँ कहीं साइंटिफिक प्रोग्रेस होती है, वहाँ कोई ना कोई इविल कॉरपोरेशन इस प्रोग्रेस के ज़रिए पैसे कमाने का सोचती है। कुछ गुंडे एलेक को उसके लैब में आकर धमकाते हैं, लेकिन एलेक इनका सामना करते हुए उन्हें वहाँ से भगा देता है। लेकिन वो गुंडे एलेक का पीछा नहीं छोड़ते और अपनी हार का बदला लेने वापस आते हैं। वो एलेक को मारकर बेहोश कर देते हैं और इसके लैब में एक बॉम्ब फिट कर देते हैं, और एलेक के होश में आते ही वो बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाता है, और एक्सप्लोजन की वजह से उसकी रिसर्च के सारे केमिकल्स उसकी बॉडी पर गिर जाते हैं। इस हालत में वो तड़पते हुए स्वाम्प की तरफ भागता है अपनी जान बचाने के लिए। वो बायोरेस्टोरेटिव केमिकल्स और स्वाम्प मिलकर एलेक को स्वाम्प थिंग में बदल देते हैं। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। द सेगा ऑफ स्वाम्प थिंग के इशू 21 में हमें जानने को मिला कि एलेक हॉलैंड किसी प्लांट में बदल कर स्वाम्प थिंग नहीं बनता, बल्कि वो स्वाम्प में कूदने से पहले ही मर जाता है। लेकिन स्वाम्प ने किसी तरह इसकी कॉन्शियसनेस को बचा लिया और इस कॉन्शियसनेस को एक ऐसी बॉडी में डाल दिया जो कि प्लांट से बनी है। इसके बाद हमें जानने को मिला कि एलेक से पहले भी काफ़ी स्वाम्प थिंग्स रह चुके हैं, और स्वाम्प थिंग डिफेंडर है एलिमेंटल फोर्स ग्रीन का, जो कि अर्थ पर तमाम प्लांट लाइफ को जोड़कर रखती है। तो दोस्तों, ये था ओरिजिन स्वाम्प थिंग का। अब बात कर लेते हैं इसकी पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में, जो कि मेरे ओपिनियन में बहुत धांसू हैं। स्वाम्प थिंग की सबसे ऑब्वियस एबिलिटी है कि ये अर्थ पर मौजूद तमाम प्लांट लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। बेसिकली वो पूरी दुनिया के प्लांट लाइफ को अपनी मर्जी से ऑर्डर दे सकता है। स्वाम्प थिंग की एक और वाज़े एबिलिटी है इसकी सुपर स्ट्रेंथ, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ का कनेक्शन सीधा पूरे अर्थ की प्लांट लाइफ से है, तो इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। स्वाम्प थिंग अपनी कॉन्शियसनेस को पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी प्लांट में भेज सकता है, और ये खासियत इसे एक तरह से इमॉर्टल बना देती है, क्योंकि अगर किसी ने इसको मारना है तो पूरी की पूरी दुनिया से ग्रीनरी को तबाह करना होगा। दोस्तों, जिस तरह एक्वामैन ओशन लाइफ से बात कर सकता है, Do you talk to fish? बिल्कुल इसी तरह स्वाम्प थिंग भी तमाम प्लांट लाइफ से बात कर सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और 3 लोगों के साथ शेयर करें, और उनको कहें कि वो आगे 3 लोगों के साथ इसे शेयर करें। जाते जाते उस सब्सक्राइब वाले बटन को टच करके लाल से ग्रे कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।